बहुत ही बड़ी खबर, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्लेन हाईजैक की कोशिश हुई है। ये बोइंग विमान ढाका से दुबई जा रहा था और इंडिया टीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। ये देखिए, ये वो तस्वीर, ये वही बोइंग विमान है जिसमें यात्री सवार थे और इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई है। चिटगांव में इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खबर ये है कि हाईजैकर ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की और प्लेन को चिटगांव में लैंड कराया। प्लेन में सवार सभी यात्री बाहर आ गए, लेकिन दो क्रू मेंबर और हाईजैकर इस वक्त प्लेन के अंदर ही मौजूद हैं। प्लेन से बाहर आए लोगों ने बताया कि हाईजैकर ने प्लेन के अंदर फायरिंग भी की है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात कराने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र का। अनुपम, आपके पास और क्या डिटेल्स आ रही है? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जितने भी पैसेंजर्स थे सबको नीचे उतार लिया गया है। हालांकि अभी भी दो क्रू मेंबर और जो गनमैन की बात की जा रही है, जो आर्म्ड गनमैन है, वो भीतर ही हैं और उस पूरे विमान को घेर कर रखा हुआ है जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने, और उससे बातचीत की जा रही है। जो भीतर में जो क्रू मेंबर्स हैं उनके द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, बातचीत की जा रही है, समझा जा रहा है, उठाया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो उसने प्रधानमंत्री की, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उनसे बात करने की मांग की है। और जब ये प्लेन ढाका से उड़ा था दुबई के लिए, तो बीच हवा में ही उसने सबसे पहले कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। इस दौरान एक फायरिंग भी की गई। जो पैसेंजर बाहर आए हैं उन्होंने कहा है कि एक फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी है। इवन एक मंत्री भी थे, वो भी उस प्लेन में थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो पैसेंजर थे उसको सबको बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये जो गनमैन है वो किसी आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति जो कोई है वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहता था और इस वजह से उसने इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की। क्योंकि अगर वाकई में ये चाहता था कि हर सिविलियन को नुकसान पहुंचे, तो उसके पास आम था, उसके पास बंदूक थी, हो सकता था कि वो सिविलियन पर अटैक भी करता। सिविलियन सारे बाहर आ चुके हैं और इस वक्त क्रू मेंबर के साथ वो अभी भी वहां पर मौजूद है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री से बात करना चाहता है। जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक उसकी पहली मांग अभी तक यही है कि वो प्रधानमंत्री से बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन वो किस लिए बातचीत करना चाह रहा है, या उसका किसी आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में अभी भी सक्रिय हैं उनसे उनका ताल्लुक है, या किसी और आतंकी संगठन से उसका ताल्लुक है या नहीं, इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई। शुक्रिया अनुपम, पूरी जानकारी के लिए आपका।